हेलो दोस्तों, ये है हमारा अपार्टमेंट। अभी हम लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं, ट्रायर घूमेंगे और फिर ट्रायर वगैरह घूमने के बाद हम लोग जाएंगे अपना एसेंस शहर। तो आज आपको दिखाते हैं ट्रायर कैसा है। कल हम लोग ने लुक्जमबर्ग सिटी को एक्सप्लोर किया, काफ़ी छोटी सी कंट्री है, काफ़ी खूबसूरत है। तो आपको दिखाते हैं कि ट्रायर वगैरह कैसा है। और ये अपार्टमेंट काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे से मैनेज है। तो आपको हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अगर कभी आना चाहो लुक्जमबर्ग तो इसमें बुक करके आप आ सकते हो और रह सकते हो। हम लोग अभी लुक्जमबर्ग छोड़ रहे हैं और जर्मनी में एंट्री करेंगे। ट्रायर आपका जर्मनी में पड़ता है, नीदरलैंड के आपका लुक्जमबर्ग के बॉर्डर में है। और ये बहुत छोटा सा कंट्री है, खूबसूरत सी कंट्री है, सब कुछ आसपास है। और हाँ, एक अच्छी बात यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री है। तो इसके लिए आपको कोई कार्ड वगैरह परचेज नहीं करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ कोई कार्ड वगैरह ना परचेज करें। यहाँ पर दो कैसल है, फियांडन कैसल और बॉसिल कैसल। आप अगर कैसल देखने में इंटरेस्टेड है, आपको कैसल वगैरह देखना पसंद है, तो आप कैसल जरूर विजिट कर सकते हैं। हम लोग कैसल वगैरह नहीं देख रहे हैं, हम लोग सीधा ट्रायर निकल जाते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं ट्रायर पहुंच के। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लुक्जमबर्ग रेलवे स्टेशन पे, जो आपका 1859 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। उस टाइम पे ये वुडन का बना हुआ था, फिर 2006 में इसको रेनोवेट किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया। और काफ़ी खूबसूरत है ये रेलवे स्टेशन। और अभी हम लोग यहीं से आपका ट्रायल के लिए बस लेंगे। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो अभी हम लोग जो एरिया को कल एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे उस एरिया को आज घूमेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है ये एरिया। हम लोग ट्रायर ट्रेन से जाने वाले थे, बट किसी वजह से ट्रेन नहीं चल रही है, इसीलिए हम लोग ट्रायर बाय बस जा रहे हैं। हम लोग स्टेशन के अंदर आ गए हैं। ये स्टेशन अंदर से काफी खूबसूरत है। लुक्जमबर्ग की ट्राम बहुत ही खूबसूरत है। हर कंपार्टमेंट के डोर पे डिफरेंट कलर का उन्होंने शेड लगा रखा है, जिसके कारण कंपार्टमेंट में कभी पिंक कलर, कभी ब्लू कलर, कभी ग्रीन कलर दिखती है, जिससे आपकी ट्राम की खूबसूरती बहुत ही बढ़ जा रही है। इस रोड पे हम लोग घूमते घूमते देखे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स आपकी फ्रेंच आर्किटेक्चर को बेस करके बनाया हुआ है, और जिससे आपको थोड़ा फ्रांस का लुक आ रहा था। और कुछ कुछ बिल्डिंग तो हमें 100 साल पुरानी भी दिखी वहाँ पर। यहाँ पर इस तरह की साइकिल्स मिलती है रेंट पे, आप अगर लेके सिटी घूम सकते हैं। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप साइकिल लेके पूरे सिटी का एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक पार्क, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारे बेंचेस हैं। आप अगर घूमते वगैरह थक गए हैं तो यहाँ आके बैठ सकते हैं, और शाम में ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी धूप काफ़ी तेज है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में जो काफ़ी सारे स्पेनिश, फ्रेंच, हर तरह के रेस्टोरेंट है। यह है छोटा सा एफिल टावर।
अभी हम लोग ट्रायर पहुंच गए हैं। लुक्जमबर्ग से ट्रायर आने में आपको बाईपास करीबन एक घंटा लगता है, और आज एक्चुअली ट्रेन नहीं चल रही थी तो हमें बाईपास आना पड़ा ट्रायर। अभी हम लोग ट्रायर पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओल्ड रोमन गेट पोर्टा निग्रा, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है आपका ब्लैक गेट, और ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो आपको ये हब्बन हब से बहुत पास में, आप वॉक करके भी इस ओल्ड गेट तक आप पहुंच सकते हैं। ये ओल्ड रोमन गेट पूरा स्टोन का बना हुआ है, और ये टूरिस्टों के बीच में काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आप अगर ट्रायर घूमने जाते हैं तो इस गेट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर इस तरह की बसेस होती है जो आपको सिटी टूर कराती है, जिसे सिटी टूर कहते हैं, जर्मन में से हॉपन हॉप ऑफ कहते हैं। 50 मिनट्स के ये टूर कराते हैं, तो आप अगर घूमते घूमते थक गए हैं तो ये सिटी टूर कर सकते हैं। पोर्टा निग्रा से आप थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट कैफे हैं, आप वहाँ ब्रेक ले सकते हैं। और इस एरिया को कहते हैं आपका ट्रायर का मार्केट स्क्वायर कहा जाता है, और यहाँ पर आपको फाउंटेन कैसल्स, फाउंटेन चर्चेस है, और ये सारे बिल्डिंग्स आपको रोमन आर्किटेक्चर की फील देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सारे बिल्डिंग्स रोमन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है। टॉय ट्रेन 45 मिनट्स का है, वो 5 मिनट ज़्यादा लेगा और 2 यूरो ज़्यादा लेगा, तो अब बना इस चर्च का नाम है लीवे फ्राउन किर्से, और इंग्लिश में इसे कहते हैं चर्च ऑफ आवर लेडी। ये आपका जर्मनी का बहुत ही पुराना गॉथिक स्टाइल का चर्च है, और ये पहला चर्च है जो फ्रांस के बाहर गॉथिक स्टाइल से बनाया गया चर्च है। ट्रायर मेन मार्केट स्क्वायर में हमने देखा ये काफ़ी खूबसूरत चर्च है जो काफ़ी पुरानी है, और अंदर से ये चर्च काफ़ी खूबसूरत है। जब हम लोग अंदर देखे तो हमारे आंखें खुली की खुली रह गई, इतना अच्छा आर्किटेक्चर उसके अंदर पुराने ज़माने में बनाया गया था। आप अगर कभी ट्रायर जाते हैं तो इस चर्च को ज़रूर विजिट कीजिएगा, हमें लगता है कि आपको भी देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। पुराने ज़माने के इंजीनियर्स के वर्क देख के आपको भी यकीन नहीं होगा कि उस ज़माने में भी इतनी खूबसूरत काम होती थी।
हम लोगों ने सिटी टूर करने के लिए टॉय ट्रेन की टिकट ले ली, जिसका आपका प्राइस पड़ता है 10 यूरो पर पर्सन। और आपका सिटी टूर बस भी होती है जो 50 मिनट्स की टूर कराती है, और उनका चार्जेस है आपका 12 यूरो। तो हम लोग सोचे कि चलो आज सिटी टूर करते हैं टॉय ट्रेन से। टॉय ट्रेन में घूम के काफ़ी अच्छा लगा, और वो हमें मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के दिखा रहे थे कि ये यहाँ है, सबके बारे में हमें इंग्लिश और जर्मन में ही बता रहे थे। तो आप ये राइड भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी राइड है ये। Das weströmische Teilreich mit einer Größe der heutigen Europäischen Union. Die jetzige evangelische Erlöserkirche ist mit dem dahinter befindlichen kurfürstlichen Palais. ये है इम्पीरियल बाथ, ये भी ट्रायर का वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हमें बताया गया कि इसके अंदर 600 पीपल एक साथ बाथ ले सकते हैं। Let's mark the deal out on the Romains of Vesting Rond de Stad. Nadat de Romeinen Trier in de 5e eeuw verlaten hadden, diende het amfitheater achtereenvolgens als toevluchtsoord voor de bevolking bij aanvallen van buitenaf. Later als steden van klooster Kimmerhout en tenslotte als Wijnberg. De ellipsvormige arena heeft nog altijd een uitstekende akoestiek die ook vandaag graag nog gebruikt wordt voor concerten en toneelpas. Im Amphitheater wurden Schaukämpfe zwischen Menschen und Tieren. Juniuskirche wurden Ende der 80er Jahre auf der rechten Seite die Viehmarktthermen aus dem 1. Jahrhundert entdeckt. Sie werden heute durch ein Glasgebäude geschützt. Opposite the late Gothic Antonius Church on the right hand side, the baths from the 1st century AD were discoved at the end of 1980s. Today they are protected by a glass building. ये व्हाइट वाली बिल्डिंग कार्लमार्क हाउस है। Der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus am 5. Mai 1818 geboren. In the White House with a green window shop. Dating back to the 7th and 8th century, with the remains of once enormous Roman storage facilities, so-called Horea, near the Roman port. De nieuwe neo-Romaanse Pauluskerk die voor ons ligt, begin 20e eeuw gebouwd, kwam in... ...die den künstlerischen mit dem handwerklichen Gedanken auf hohem Niveau zu verbinden zu. Het schoolgebouw links van ons is een zogenaamde kunstambachtschool, de voorloper van de huidige technische hogeschool. Ze behoort tot het type van kunstberoepsscholen die kunst met vakmanschap op. It's located in the pedestrian zone of Trier and therefore cannot be shown with the Roma Express. If you walk a few steps from the Ponte Nigra towards the city center. ये जो स्टैचू है ये कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रायर शहर में हुआ था, तो उनकी याद में ये स्टैचू बनाई गई है यहाँ पर। ट्रायर से कोबलेंस जाने के रास्ते में हम लोगों ने देखा यहाँ खूब ज़्यादा अंगूर की खेती होती है। जहाँ आप नज़र घुमा वहीं अंगूर की ही खेती हो रही है, और जो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में अंगूर की खेती देखी। और ट्रायर का वीडियो आज हम यहीं अंत करते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।